में हम देखेंगे कि मानव समुदाय आईडी पर अपना पासवर्ड कैसे चेंज करें, ये अक्सर समस्या हमारे सामने आती है। तो वैसे तो हमारा जो पासवर्ड होता है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, वो हमारे नाम के पहले 3 लेटर और डेट ऑफ बर्थ होता है। पासवर्ड आपके नाम के शुरुआती 3 अक्षर कैपिटल में और डेट ऑफ बर्थ का ईयर, ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। मगर कैसे बदलें, इसे बदल देना ही सुरक्षित होता है, नहीं तो कोई भी हमारी आईडी खोल के हमारे डेटा ले सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम मानव संपदा की ऑफिशियल साइट पर जाते हैं, ehrmsupsdc.gov.in, इस पर जाते हैं। तो उसमें यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए जैसे ही हम देख रहे हैं तो डिपार्टमेंट आ रहा है, डिपार्टमेंट हमने यहाँ से चूज़ कर लिया है बेसिक, तो डायरेक्टरेट खुद आ गई है। इसके बाद हम अपनी ईमेल आईडी डाल रहे हैं, तो ईमेल आईडी सॉरी यहाँ से हम पासवर्ड आईडी डाल अपनी मानव संपदा आईडी डाल रहे हैं, तो यह है हमारी 37। इसके बाद हमारा जो पासवर्ड है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हमें पता है, यदि नहीं पता है तो जैसे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है तो क्या है वो आप देख रहे हैं। इसके बाद हम ये कैप्स कोड जो दिया हुआ है इसको हम टाइप कर लेते हैं यहाँ से, और टाइप करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन पर जाते हैं तो हम देखते हैं हम लॉगिन प्रेस करते हैं। फॉरगेट पासवर्ड हमें कभी नहीं करना चाहिए, यदि हम फॉरगेट पासवर्ड कर देते हैं तो फिर हमें ऑफिस से जाकर ही अपना पासवर्ड मिल पाता है। तो लॉगिन पासवर्ड करते हैं, लॉगिन पासवर्ड जैसे किया लॉगिन, तो ये इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल के हमारे सामने आया है। इसमें ऊपर हमें कुछ टैब दिखाई पड़ रहे हैं, तो सबसे पहला होम टैब है, उसके बाद जर्नल में हम अपडेट पासवर्ड में जाते हैं, यहाँ से अपडेट पासवर्ड में जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम देख रहे हैं तो यह करंट पासवर्ड मांग रहा है, करंट यानी कि हम तभी चेंज कर सकते हैं, इसमें अपडेट कर सकते हैं जब हमें करंट पासवर्ड पता हो। जैसे हमारा पासवर्ड अभी हमें पता था कि क्या था, AMI और हमारी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से हम करंट पासवर्ड डाल रहे हैं। फिर हम न्यू पासवर्ड, जो अपना न्यू पासवर्ड है हम उसको बना रहे हैं, क्योंकि इसको हमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज कर देना चाहिए, यदि हम चेंज नहीं कर सकते तो कोई भी डेटा हमारा देख सकता है, तो यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं इसको। फिर एक बार कंफर्म पासवर्ड करना रहता है, फिर हम ये कैप्स कोड डाल देते हैं और यहाँ से कर देते हैं सेव। फिर ऊपर हमें मैसेज यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। यहाँ से हम इस तरह से अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। और फिर हम यहाँ से लॉगिन में जा रहे हैं, दोबारा हम यहाँ से वही पूरी प्रोसेस अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी आईडी थी और अब हम अपना जो पासवर्ड डाल रहे थे वो डिफॉल्ट वाला वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पासवर्ड अपडेट हो गया है। आइदर यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, जैसे अभी अभी हम खोल पाए तो नहीं, क्योंकि हमने अपना पासवर्ड अपडेट कर लिया है। हम अपने अपडेटेड पासवर्ड से अब खोलते हैं तो यह आसानी से खुल जाता है।
इस तरह से हमारा जो अपडेटेड है अपडेट हो गया है। हमें फॉरगेट पासवर्ड कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ से हम बाकी सारी डिटेल अपनी देख सकते हैं।